गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। 28 मई के करंट अफेयर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू कमांडेंट ऑफ द नेशनल डिफेंस अकेडमी। नेशनल डिफेंस अकेडमी के नए कमांडेंट बने हैं वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट है। इनसे पहले अजय कोचर थे इस पोस्ट पर, इनको रिप्लेस करके अभी आ रहे हैं गुरुचरण सिंह। नेशनल डिफेंस एकेडमी की यहाँ बात करते हैं तो ये एक मिलिट्री एकेडमी है दैट ट्रेन्स ऑफिसर्स फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इंक्लूडिंग आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। पुणे महाराष्ट्र में ये मिलिट्री एकेडमी मौजूद है। मोटो है इसका सेवा परमो धर्मा, सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्लाउस श्वाब विल स्टेप डाउन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव रोल ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बाय विच ईयर। क्लाउस श्वाब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के और ये 2025 तक ही रहेंगे अपने इस पोस्ट पर। उसके बाद जनवरी 2025 में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के चेयरमैन बन जाएंगे ये, ठीक है। 1971 में ये WEF के प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यहाँ बात करें तो स्विस नॉन प्रॉफिट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 1971 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, उसी टाइम पर इसके चेयरमैन थे क्लाउस श्वाब। हेडक्वार्टर है WEF का जेनेवा स्विट्जरलैंड। WEF प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल, बिजनेस, सोशल एंड एकेडमिक लीडर्स टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्रियल एजेंडाज। WEF एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन है विद नो सेल्फ इंटरेस्ट। प्रेजिडेंट इसके इस समय हैं बॉर्ज ब्रेंडे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कई सारे रिपोर्ट्स रिलीज की जाती हैं, इनको देख लीजिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट। हु वाज सिकंदर भारती हु पास्ड अवे रिसेंटली। सिकंदर भारती एक फिल्म डायरेक्टर थे जिनकी अभी रिसेंटली ही डेथ हो गई है। घर का चिराग, जालिम, ₹10 करोड़, भाई भाई, ये कुछ मूवीज़ हैं और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो उनके द्वारा डायरेक्ट की गई हैं। अभी यहाँ रिसेंट में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको देख लेते हैं। विशेश्वर राव तमिल एक्टर थे। फिर राणा तलवार, फर्स्ट एशियन टू हेड अ ग्लोबल बैंक, इनकी डेथ हो गई है। के जे जॉय मलयालम म्यूजिक डायरेक्टर थे। अजीत सिंह गिल ओल्डेस्ट ओलंपियन और फॉर्मर हॉकी प्लेयर थे। मुनव्वर राणा उर्दू पोएट थे। डॉक्टर प्रभा आत्रे क्लासिकल सिंगर थी। उस्ताद राशिद खान ये हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे। पंडित हरिराम द्विवेदी ये हिंदी साहित्यकार रह चुके हैं। नवरंग लाल टिब्रेवाल एक्स राजस्थान गवर्नर थे। फ्रेंड्स बैकेनब्योर जर्मन फुटबॉल लेजेंड थे और वेद प्रकाश नंदा ये पद्म भूषण अवार्डी रह चुके हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन। इसको सौरभ एच मेहता के द्वारा लॉन्च किया गया है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से वेस्ट होते हैं? ऐसे वेस्ट मटेरियल जिनको ईजिली डिकम्पोज किया जा सकता है बाय नेचुरल फैक्टर्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगी एंड सम अदर्स, ए बायोटिक कॉम्पोनेंट सच एज टेम्परेचर, यूवी, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, जो बायोडिग्रेडेबल हो सके, जो डिकम्पोज हो सके ईजिली। इनके द्वारा ऐसा पेन बनाया गया है, लॉन्च किया गया है। अभी तक हम जो पेन यूज़ करते हैं उनमें प्लास्टिक होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। पहले और सेफ ऑप्शन था जब आप लोग पता नहीं उस एरा के हैं या नहीं होंगे, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जब पेन के अंदर जो सिक्के होते हैं वो अलग से आया करते थे तो बॉडी एक ही बॉडी काफ़ी टाइम तक चल जाती थी, ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट ज़्यादा क्रिएट नहीं होता था। लेकिन अब तो वो ट्रेंड चेंज हो गया है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई है। इनके द्वारा ये पेन बनाया गया है। इस पेन का नाम है नोट पेन। द पेन फीचर्स अ रिसाइकल्ड पेपर रिफिल एंड नॉन टॉक्सिक इंक। इनके द्वारा ये इस पेन में शामिल किए गए हैं। फर्स्ट इन इंडियन वर्ल्ड देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में। फर्स्ट एवर हाइड्रोजन बस सर्विस इन इंडिया लेह में। वर्ल्ड का फर्स्ट डुअल मोड व्हीकल जापान में। वर्ल्ड का सेकेंड हाइड्रोजन ट्रेन चाइना के द्वारा शुरू की गई। इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रक बेंगलुरु में। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। इंडिया का पहले वाटर मेट्रो सर्विस कोची में। इंडिया की पहली वाटर टैक्सी सर्विस नवी मुंबई से मुंबई के बीच शुरू की गई। वर्ल्ड का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया गया जापान में। और फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल ग्लेशियर्स वेनेजुएला बनी है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द केन्स फिल्म फेस्टिवल। इसमें बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है अनुसुईया सेन गुप्ता को।
केन्स फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में इसे आयोजित किया गया 77th एडिशन था। अनुसुईया सेन गुप्ता ने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता फॉर द फिल्म द शेमलेस। ये पहली इंडियन बनी है जिनके द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। कोलकाता की रहने वाली हैं अनुसुईया सेन गुप्ता। कि कुछ और चीज़ें यहाँ पर देखें तो चिदानंद नायक की फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो, इसने जीता है ला सिनेफी अवार्ड फॉर बेस्ट शॉर्ट फिल्म। द फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट इज डायरेक्टेड बाय पायल कपाडिया। ऑल वी इमेजिन एज लाइट हैज़ बिकम द फर्स्ट फिल्म फ्रॉम इंडिया टू रिसीव द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। इसके अलावा संतोष सिवान ने जीता है अवार्ड द प्रेस्टिजियस पियरे एंजेनिक्स ट्रिब्यूट अवार्ड एट 77th कांस फिल्म फेस्टिवल फॉर सिनेमेटोग्राफी। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं केन्स फिल्म फेस्टिवल में जो कि भारतीयों के द्वारा जीते गए हैं। कुछ और चीज़ें यहाँ रिवाइज करते हैं। 2024 समर ओलंपिक्स पेरिस फ्रांस में ही होने वाले हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रिटर्निटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। वर्ल्ड फेमस आईफिल टावर पेरिस में ही है। नेशनल डे ऑफ फ्रांस सेलिब्रेट होता है 14th जुलाई को। नेपोलियन को फादर ऑफ मॉडर्न फ्रांस के नाम से जाना जाता है। हु हैज़ वन द IPL 2024 टाइटल? IPL 2024 का टाइटल कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। चेन्नई में फाइनल मैच हुआ था एम चिदम्बरम स्टेडियम के अंदर। फाइनल मैच सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में हुआ था। KKR उसमें जीता है। KKR तीसरी बार अभी ये टीम मैच IPL जीती है, IPL का टाइटल। इससे पहले 2012 और 2014 में KKR जीत चुकी थी, अब तीसरी बार ट्रॉफी जीती है। और IPL का पहला एडिशन हुआ था 2008 में। बाकी IPL 2024 की सारी चीज़ें डिटेल में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आपने नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। IPL 2024 की यहाँ पर बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग का ये 17th एडिशन था। 74 मैचेस खेले गए। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? BCCI है। टाइटल स्पॉन्सर टाटा था। IPL इंडिया का टॉप डोमेस्टिक क्लब बेस्ड प्रोफेशनल क्रिकेट लीग है। T20 फॉर्मेट में खेला जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, ये दोनों टीम्स ऐसी हैं जो अभी तक सबसे ज़्यादा बार ये टाइटल जीत चुकी हैं, 5 बार दोनों टीम्स। एम्बलिका चक्रवर्ती द न्यू प्लांट स्पीशीज वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम विच फॉरेस्ट रेंज ऑफ केरला, इसको केरला के एडा मलयार फॉरेस्ट रेंज से डिस्कवर किया गया है। नाम है स्पीशीज का एम्बलिका चक्रवर्ती, तपस चक्रवर्ती जो बॉटनिस्ट हैं इनके नाम पर इस स्पीशीज़ का नाम रखा गया है। केरला से ये पाई गई है एडा मलयार फॉरेस्ट रेंज से। हु वन द री इलेक्शन इन द फाइनल राउंड ऑफ लिथुआनियाज प्रेजिडेंशियल इलेक्शन इन 2024? लिथुआनिया में प्रेजिडेंशियल इलेक्शन गीतानस नौसेडा के द्वारा जीता गया है। री इलेक्शन हुआ था वहाँ पर, 75% वोट इनको मिले हैं। सेकेंड प्रेजिडेंशियल विक्ट्री है इनकी, इससे पहले भी यही जीते थे 66% वोट के साथ में, अभी 75% वोट के साथ जीते हैं री इलेक्शन में। लिथुआनिया बाल्टिक रीजन ऑफ यूरोप की एक कंट्री है। लातविया, बेलारूस, पोलैंड, रशिया और स्वीडन, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिससे बॉर्डर अपना शेयर करती है। कैपिटल है विल्नियस और यहाँ के PM है इंग्रिडा साइमोनिते। अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं यहाँ पर। मुस्तफ़ा सुलेमान अपॉइंट हुए हैं एज द न्यू AI चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। भूषण गगरानी बने हैं BMC कमिश्नर। UK के पहले ब्लैक गवर्नमेंट लीडर हैं वॉघन गेथिंग। दीपक कुमार को अपॉइंट किया गया एज द न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ UP। संजय मुखर्जी अपॉइंट हुए हैं एज द न्यू DGP ऑफ वेस्ट बंगाल। CP राधाकृष्णन को एडिशनल चार्ज मिला है तेलंगाना और पुडुचेरी के गवर्नर का। T. Armstrong चैंगसन इंडिया के नेक्स्ट एनवॉय टू क्यूबा बने हैं। PNG इंडिया ने अपॉइंट किया है कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को एज CEO। व्लादिमिर पुतिन रशिया में फिर से प्रेसिडेंट बने हैं। अर्नव बैनर्जी ATMA के चेयरमैन बने हैं। और सीताराम मीना अपॉइंट हुए हैं इंडिया के नेक्स्ट एनवॉय टू नाइजर। व्हाट इज ग्लिसे 12b रिसेंटली सीन इन न्यूज़? ये क्या है? ये एक अर्थ साइज्ड एक्सोप्लैनेट है। नासा के TESS टेस एंड अदर टेलीस्कोप्स के द्वारा डिस्कवर किया गया है ग्लिसे 12b को, और टेम्परेट अर्थ साइज्ड एक्सोप्लैनेट। पृथ्वी से 40 लाइट ईयर्स अवे है ये, और ये अर्थ के सिमिलर साइज का है। अर्थ या फिर वीनस दोनों के सिमिलर साइज का है। हैज़ अ मास 3.87 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड ऑर्बिट्स अ स्टार एवरी 12.8 डेज। इसका सरफेस टेम्परेचर 107 डिग्री फॉरेनहाइट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। साइंटिस्ट ने इबोला को प्रिवेंट करने के लिए एक ड्रग खोजा है टारगेटिंग VP35 प्रोटीन। फर्स्ट रूम टेम्परेचर ड्रग फॉर सिकल सेल अनीमिया डिजीज डेवलप्ड।
गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है एआई एजेंट सीमा को दैट कैन प्ले गेम्स लाइक प्रोफेशनल्स। डेविन एआई वर्ल्ड का पहला फुल्ली ऑटोनॉमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ आरएलवी पुष्पक का इन कर्नाटका। अ न्यू ब्लैक होल मैप डिपिक्टेड द लार्जेस्ट एवर वॉल्यूम ऑफ द यूनिवर्स। अग्निमान सॉर्टेड अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इंडिया का पहला प्राइवेट पैड लॉन्च और सेमी क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट है। सखी एक मल्टीपर्पज़ ऐप है टू हेल्प एस्ट्रोनॉट्स ऑन गगनयान मिशन। और EVI इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इमोशनली इंटेलिजेंट वॉइस AI डेवलप्ड बाय ह्यूम। वेनिस इंटरनेशनल एवरेस्ट डे ऑब्जर्व्ड, इसे ऑब्जर्व किया जाता है 29 मई को टू सेलिब्रेट ह्यूमन एडवेंचर एंड द ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज। एम है इसका टू इंस्पायर पीपल टू परस्यू देयर ड्रीम्स, रेज एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ऑनर द ब्रेवरी एंड एंड्योरेंस ऑफ क्लाइंबर्स एंड सेलिब्रेट ह्यूमन एडवेंचर एंड द ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज। लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच कंट्री प्रोवाइडेड द नेम रेमल फॉर द साइक्लोन डेवलपिंग इन द नॉर्थ इंडियन ओशन। स्नेहा राजपूत, काम्या कार्तिकेयन, आइए क्या ऑप्शन है, कंट्री के नाम चाहिए। चलो मैं ऑप्शन दे देती हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, ओमान या फिर इजिप्ट। किस कंट्री के द्वारा रेमल नाम साइक्लोन का प्रोवाइड किया गया है, इसका आंसर बताइए कमेंट में। और इसी के साथ